हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटरनेट। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में, क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर में सारे टॉपिक कवर अप्स कर लिए हैं रिलेटेड टू संचार, एंड इट इज़ अवर लास्ट टॉपिक दैट इज़ इंटरनेट। तो फर्स्टली वी आर टू नो व्हाट इज़ इंटरनेट। जनरली हम लोग सब इंटरनेट के बारे में जानते हैं, बट अगर बात आए कि इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है, तो आई डोंट थिंक कि हम में से कोई भी एक प्रॉपर डेफिनेशन दे सकता है। तो आज हम पढ़ते हैं कि इंटरनेट क्या है, किसने इसकी खोज की, कैसे आया, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंटरनेट क्या है? बेसिकली इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए बहुत सारे कंप्यूटर्स का क्या होता है, एक जाल होता है जो राउटर और सर्वर्स के माध्यम से उनके बीच में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, मतलब दो कंप्यूटर को आपस में बात करने के लिए जो कनेक्शन ज़रूरत होती है, वो कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें कोई डिस्टेंस लिमिट नहीं होती, कुछ भी आप पास के पास से भी कर सकते हो और दूर के दूर से भी कर सकते हो। दूसरे वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन या कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली एक मीडियम होता है जिसमें हमारा कोई भी मैसेज इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करके दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचता है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क अगर पूछा जाए कि क्या होता है, तो इसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा इंटरनेट होता है। इंटरनेट को इंग्लिश के एक वर्ड इंटरनेट वर्ल्ड से लिया गया है। इंटरनेट वर्ल्ड का मतलब होता है अंतरजाल। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो मतलब ये हज़ारों और लाखों कंप्यूटर्स के बीच कनेक्शन का क्या एक अंतरजाल है, और इस अंतरजाल को क्या बोलते हैं? महाजाल भी बोलते हैं। तो आई थिंक इंटरनेट की डेफिनेशंस आप लोगों को समझ में आई होगी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इंटरनेट किसने बनाया, कैसे किसी की नॉलेज में आया कि इंटरनेट क्या होता है या कैसे यूज़ होता है। ठीक है, इंटरनेट की खोज की थी लियोनार्ड क्लिंकरॉक ने। इन्होंने एक योजना बनाई थी, बेसिकली इन्होंने सिर्फ एक प्लान बनाया था कि इंटरनेट की हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, कनेक्शन एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट इन्होंने इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद 1962 में एक साइंटिस्ट थे JCR लिंक लीडर, इन्होंने और रॉबर्ट टेलर, इन दोनों ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया। इस नेटवर्क को बाद में हम लोग ने टेलनेट के नाम से जाना, मतलब जो पहला इंटरनेट था उसको हम टेलनेट के नाम से भी बोल सकते हैं कि उस की टेलनेट क्या है। बेसिकली द वेरी फर्स्ट इंटरनेट मेड बाय JCR लिंकलर एंड रॉबर्ट टेलर, इन्होंने जो पहला इंटरनेट बनाया था इसको बोलते हैं टेलनेट। ठीक है, 1974 में इंटरनेट फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए आया था, और 80s में इंडिया में आया था। ठीक, एक चीज़ और बता दो, इंटरनेट का सबसे पहले यूज़ अमेरिकन गवर्नमेंट ने किया था, जो इनका डिफेंस मिनिस्ट्री होती थी, वहाँ पे जो इनके कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस होते थे उनको ईमेलिंग के थ्रू भेजने के लिए ही इंटरनेट का यूज़ किया गया था। और फिर उसके बाद जब ये देखा देश के बाकी लोगों ने या दुनिया के बाकी लोगों ने कि इसका यूज़ काफ़ी अच्छा है और हम इसको अपने देश में ला के टेक्नोलॉजी वाइज अपने देश को बहुत ज़्यादा ऊपर कर सकते हैं, तो क्या हुआ, इंडिया ने 1980s में, मतलब 80 के दशक में क्या किया, इंडिया ने इंटरनेट को ड्राइव किया इंडिया में और यूज़ करना स्टार्ट किया। तो ये सब था बेसिक पॉइंट्स अबाउट इंटरनेट। नाउ लेट्स गो टू द होमवर्क दैट आई एम गिविंग टू यू टुडे, और आज आपको अपना होमवर्क फाइंड आउट करना होगा। What is your homework? Your homework is what is internet या internet क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, एक सी डेफिनेशन देनी है और इसके बारे में दो या तीन लाइनें लिखनी है। और दूसरा है इंटरनेट की यूजेस, ये आपको फाइंड आउट करने हैं, ये आपको पता होंगे आप वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लाभ, इसके हानि, ये भी आप ही मुझे बताएंगे। अब अपना टॉपिक एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि इंटरनेट का ओनर है कौन। इंटरनेट का ओनर कोई भी नहीं है और सब हैं,
मतलब बेसिकली कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर इंसान नहीं है जो अपने आप को इंटरनेट का ओनर कह सके, क्योंकि कोई एक चीज़ नहीं है, ये बेसिकली एक जाल है जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और सभी इसके ओनर की इस तरीके से है। हर कोई नेट खरीदता है तो वो कुछ पर्टिकुलर बाइट्स का ओनर बन जाता है। जैसे कि आपको हर रोज़ मान लो 1.5 GB नेट मिल रहा है तो आप उस 1.5 GB इंटरनेट के ओनर हो जाते हैं। तो इंटरनेट का बेसिकली कोई ओनर नहीं है, इंटरनेट के सभी ओनर हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी, आई एम अवेलेबल। थैंक यू।